बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बहुत ही बड़ा मुकाबला और दोस्ताना मैच। इस मैच के मसले में आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का ये मेरा दोस्त है, ये लाहौर में आए हुए हैं 2 महीने के लिए। इंडिया से आए हुए हैं, अपने लाहौर शहर में आए हुए हैं। तो लाहौर शहर से ये हमारे गाँव में आया और ये जो हमारा छोटा शहर है इधर ये आया, तो इसने मेरा कैरन देखा तो बड़ा खुश हुआ है। तो इससे मैंने यूट्यूब का बताया, मैंने यूट्यूब मेरी चैनल है, तो ये खुश हो गया। फिर मेरे साथ कहते हैं मैं आओ हम कैरन लगाएं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गेम है इसकी, आपके सामने इन्होंने क्वीन कवर किया है। तो गाइस पहले तो ये बात है कि आप लोगों ने माइंड नहीं करना, अगर हार जीत होती रहती है, अगर इंडिया हारा तो ये आपने मुझे सपोर्ट फिर भी करनी है, पाकिस्तान हारा तो आपने फिर भी सपोर्ट करनी है। ये हमारा दोस्ताना मैच है तो इंशाल्लाह ये मेल होना था। आपने मुझे इस वीडियो में कभी नहीं देखा होगा इसके साथ, ये रेल में ही अपना आया है इंडिया से, तो अचानक ही बस सबब बना तो गेम दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह इसको खेलने भी आता है, वो जैसे खिलाड़ी होते हैं माशाल्लाह मुझसे भी अच्छा खेल रहा है। तो मैं इसे चेक कर रहा था लेकिन माशाल्लाह मैंने इसे बताया यूट्यूब का, तो कहता है यार यूट्यूब पे वीडियो मेरे अपलोड करनी है आपने, तो मैंने भी दिखानी है दोस्तों को। तो आज का हमारा ये मैच पॉइंटों वाले 29 पॉइंट करने हैं, जो ओपन 29 पॉइंट पहले करेगा वो विन होगा। तो बहुत ही प्यारी शॉट खेलता है भाई ये, तो देख सकते हैं वो कट मारी लेकिन कट मिसिंग हो गई। तो गाइस क्वीन इसकी है, 5 नंबर इसे मिलेंगे जीतेगा तो। तो हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, भारत से है ये। तो इससे मैंने पूछा है, ये कहता है मैं बेंगलोर से आया हूँ, ठीक है लाहौर में। तो लाहौर से आके हमारे यहाँ अबू के दोस्त से गांव में यहाँ आए हैं, तो आपसे देखा कैरन, हम इंडिया में भी खेलते हैं, हमारे उधर गली मोहल्लों में भी है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो गाइस हम मैंने इसे इजी लिया था लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी गेम है इनकी। तो हमारे इंडिया के सपोर्टर और पाकिस्तान के सपोर्टर हमें देख रहे होंगे, देख सकते हैं क्वीन भी इसकी थी और पॉइंट भी मेरे बाहर 3 पड़े हैं। तो कोशिश की है लेकिन मेरा गोला ना लग सका, ये गोला शॉट होती है, लेकिन 3 पॉइंट बाहर, 5 क्वीन के, 8 नंबर इंडिया के। और गाइस 8 इंडिया 0 पाकिस्तान, मुकाबला बहुत अच्छा कैरम का जा रहा है। तो आप सब ने हमें सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह ऐसा सबब बना तो हमारी और टीमें भी हमारे साथ खेलने आएंगी। जैसे कि पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि, मैंने सोचा था कि हमारे लाहौर कराची ये कोई आएंगे खिलाड़ी, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि मेरा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया कि डायरेक्ट इंडिया से मेरे साथ खेलने आ गए हैं। तो 8-0 का मुकाबला जा रहा है इंडिया, 8-0 पाकिस्तान। क्वीन इंडिया की थी पहले, इंडिया के खिलाड़ी की, और उन्होंने 3 पॉइंट मेरे बाहर थे, 5 और 3, 8 नंबर वो ले चुके हैं। अभी तक मेरा जोनसा है 0 है, तो देखते हैं क्या बनता है। इस दफ़ा जो क्वीन मैंने कवर की है तो मेरी कोशिश होगी। बहुत फास्ट खिलाड़ी हैं और बहुत, इन्होंने बहुत कम टाइम में मेरे कैरन को समझ लिया कि कहाँ मारनी है शॉट, कैसे खेलनी है। मैं तो खुद परेशान हूँ कि ऐसे खिलाड़ी भी भारत में हैं, देख सकते हैं मेरे ही शहर में, मेरे ही गांव में, मेरे ही पहले ही शिकस्त 8 पॉइंट मार दिए गाइस, कमाल है यार। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है यार कि कोई खिलाड़ी तो आया मेरे मुकाबले का। तो अभी भाई कह रहे हैं कि मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा वापस लाहौर, लाहौर से फिर हम इंडिया चले जाएँगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि कल ये आए हमारे साथ खेलें। तो अभी तक क्वीन मेरी है, पॉइंट इनके बाहर पड़े हैं 6, तो इनसे मिसिंग हुई है, क्योंकि यार हम और पाकिस्तान 11 भारत 8 11 8 का मुकाबला। और मैं कहता हूं कि अगर ये एक दो दिन यहाँ रहें और खेलें तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे जीतने देंगे, क्योंकि इन्होंने एक ही दिन में बहुत अच्छा फास्ट खेलते हैं, मुझे बहुत इनका खेलने का स्टाइल बहुत प्यारा लगा यार, कमाल।
तो आज उनकी अब उनकी शॉट है, तो मैंने बहुत इनसे टाइम लिया। ये भी कह रहे हैं कि मुझे कॉल आ रही है, तो इन्होंने मोबाइल भी ऑफ कर दिया। तो मेरे साथ कैरम खेल रहे हैं, तो कहते हैं यार कैरम ऐसी चीज़ है कि इजीली खेलना पड़ता है, तो बार बार कॉल आए तो फिर फोकस हट जाता है गेम से। तो वाकई ये प्लेयरों की निशानी होती है ईजी होकर खेलना। और कैसी शॉटें खेल रहे हैं, वाइड कहाँ से डाल रहे हैं कोई समझ नहीं। ये देख सकते हैं गाइस, हमारे भारत के खिलाड़ी। तो जहाँ जहाँ से ये देखी जाए वीडियो, हमें कमेंट्स में लिखना है आपने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना है, तो नई आने वाली वीडियो। मैं कोशिश करूँगा कल इसकी वीडियो और आए, ये मुकाबला अच्छा करे, और मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं ये वीडियो हो उसको रोकूँ कि कल मेरे साथ खेल के जाए। तो हमारे प्यारे, इनका नाम है माजिद नाम ही उन्होंने बताया। तो क्वीन को खेलना चाह डबल ट्राई, लेकिन ना कर सके, तो मेरी ब्लैक है तो मैंने ब्लैक खेली, ब्लैक चली गई है, तो दूसरी ब्लैक को अब कट मारूंगा। तो दोनों ही बच गई, क्वीन जोन सी है बन गई है माजिद की, भारत के खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं ये क्या करते हैं, कवर करते हैं या नहीं, और इनका कवर नहीं हुआ। क्वीन जोनसिया सेंटर में आ गई है, अब इजीली शॉट मिस हो गई है। जब सीनियर प्लेयरों के साथ खेलो तो ऐसी शॉटें मिस होती हैं, ये दिखने में ऐसे हैं, लेकिन मुझसे ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि मुझे खेले हुए 3-4 साल हो गए हैं। तो भाई मैं आज आपके साथ खेल रहा हूँ, तो मैंने कहा यार आप बहुत अच्छी बात है, अगर इतने दिनों बाद भी खेल रहे हो, तो आपने मुझे जब पहले 8 पॉइंट मारे हैं मैं तो उधर ही तंग रह गया। तो वो इस बात से हंसने लगे, ज़्यादा नहीं ऐसी बात नहीं है, तो बहुत फोकस करके गेम को खेलते हैं, देख सकते हैं गाइस। वो थोड़ी सी मिसिंग हुई, मैंने पहले इस कैरम पे कभी खेला नहीं, तो हम तो डेली खेलने वाले हैं, जो अपना ग्राउंड होता है अपना। अब मैं इनके बैंगलोर जाऊं खेलने, तो मुझे जो जीतने नहीं देंगे ना, तो मुझे पता भी नहीं होगा, पहले महीना 2 माह मुझे प्रैक्टिस करूंगा तो पूरी समय लगे, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर ही बहुत अच्छा खेल रहा हूं। तो मुझे पॉइंट और गाइस मेरे पॉइंट हुए 3 मिले हैं 14 और 8 का मुकाबला। क्वीन इस दफ़ा इंडिया की थी, तो हमारे माजिद भाई, तो अब न्यू चैप, अब जो उनसे शॉट होगी वो मेरी होगी, सफेद पीस मेरे होंगे, तो अब मेरी शॉट है, तो देखें क्या बनता है। तो कमाल शॉट टूटी है जैसे मैं चाहता था, तो मेरी नज़र अभी भी क्वीन पे है, क्वीन के, क्योंकि भाई लोग 5 पॉइंट मिलते हैं क्वीन अगर जीतो तो। तो अगर हार भी जाओ तो कोई मसला नहीं है, कोई गम नहीं, दूसरे खिलाड़ी को जो ऐसे पॉइंट कम ही मिलते हैं, ऐसे कि अब पहले मुझे 11 पॉइंट मिले थे, अब मुझे मिले हैं 3, क्वीन उनकी थी, अगर क्वीन मेरी होती तो मुझे 8 मिल जाते, 20 हो जाते, 19-20। तो इसका क्वीन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। तो अब हाजिद ने खेली है शॉट, तो अब मेरी शॉट है, तो क्वीन की नज़र, क्वीन पे नज़र है मेरी, देख सकते हैं। और अब मैं क्वीन डालने की कोशिश करूँगा, और क्वीन की लालच में मैं अपना पीस भी नहीं डाल सका, तो इन्होंने कट मारी लेकिन कट ना लगी। तो अब मैंने कोशिश की थी क्वीन को, लेकिन मेरी गोटी चली गई, क्वीन बन गई है गाइस, बैक पे मैंने कवर करना है, तो कवर भी हो गया है। उन्होंने कहा बहुत इखलाक वाले बंदे हैं यार ये, बहुत ही अच्छे, हर शॉट में मुझे दाद देते हैं, तो यही होता है यार। भाई लोग सबसे पहले कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि यार कोई इंडिया का खिलाड़ी आज मेरे साथ खेलने आया है, और वो भी कि मेरे इधर गांव में, शहर में, छोटे से में, कैसे आया यार। मैं आज सपना तो नहीं देख रहा कि हकीकत में ये कहां से आ गया, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान इंडिया के मैच की, किसी को ढूंढूंगा, किस भाई को,
तो लेकिन ये सचमुच में इंडिया का खिलाड़ी आ गया तो मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। तो क्वीन जैसे मेरी है तो इन्होंने पॉइंट अपने इनकी जो सी मैंने ब्लैक है इनकी सेफ पड़ी हैं, तो अभी मेरी वाइट है, मैंने प्रेस मारा तो बहुत प्यारा प्रेस लगा, तो बहुत खुश हो रहे हैं कि यार बहुत प्यारी गेम कर रहे हो आप, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है खेल के यार। तो अभी मैं पीछे मारूंगा और मिसिंग हो रही है गाइस, बहुत मिसिंग हो रही है आज। तो बाजी ने बहुत अच्छी शॉट खेली, अब क्या करते हैं, इनको खेला और ये भी उनकी हार्ट से खुल गई। अब ये क्या हुआ, मैंने उनकी पिच डाल दी, तो ये क्या हुआ, मेरी इजली मैं जीत रहा था, अब कहाँ से कहाँ आ गया मेरी टू, दो गोटियाँ वाइट अभी भी पड़ी हैं, तो देखो क्या बनता है। तो बहुत अच्छे वाजिद भाई, बहुत अच्छे, तो 8 पॉइंट 14 पॉइंट का मुकाबला। ओ और फिर मिसिंग इन भाई लोग, और मेरी टू उस तरह ही पड़ी हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो ब्लैक है एक बची है, क्वीन मेरी है, लेकिन अब थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आई क्योंकि मुश्किल शॉट थी मिसिंग की, अब मैं इजीली 6 नंबर ले सकता हूँ, क्वीन मेरी है, 5 नंबर क्वीन की हैं, अगर मैं जीतूँ तो 5 क्वीन के 1 पॉइंट बाहर इनका पड़ा तो मिले मुझे 20 हुए मेरे। और जैसे कि भाई लोग 20-8 का मुकाबला और खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 2-3 दिन भी खेलें तो ये मुझे जीतने नहीं देंगे, ये नहीं जीतने देंगे। मैं अगर देख सकते थे मेरी 2 जो सी वाइट हैं वो काफ़ी देर पड़ी रही हैं, लेकिन उनकी 7-8 ब्लैक थी, उन्होंने सारी डाल ली, लेकिन तो 20-8 का मुकाबला, तो खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब शॉट वाजिद भाई ने तोड़ी, तो क्वीन के चक्करों में हूँ मैं, तो अभी भी अगर वो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा टेबल है, मैं डेली खेलता हूँ, लेकिन उनकी उनको दाद देनी होगी, मैं कोशिश करूँगा कल को इनसे फिर खेलूँ, इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए मेरे कैरम का, तो फिर ये मुझे इजीली जीत जाएंगे, इनकी गेम मुझसे अच्छी है, अगर मैं इनसे जीता तो एक्सपीरियंस की वजह से जीतूँगा, तो इनकी गेम मुझसे ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, फैंस साहब फैसला करेंगे। तो मेरी जो सी हैं ब्लैक हैं, अगर मैं इनकी तरफ बेंगलोर खेलने जाऊं तो ये मुझे 1 पॉइंट भी ना बना लेंगे शायद, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा अपने कैरम का, क्योंकि हर खिलाड़ी जो सा होता है अपने कैरम पे उसे कंफर्टेबल महसूस करता है। तो इस दफ़ा मैंने क्वीन डाल ली, तो क्वीन इस दफ़ा कवर बैक पे कर रहा हूँ, और भाई लोग क्वीन भी हो गई कवर, तो बाकी रह गए हैं मेरे 2 पीस, अगर मैं जीतूं तो 5 क्वीन के तो 29 पॉइंट का होता कैरम, मैं जीत सकता हूं। आखिरी कट मारी, लेकिन कट ना लग चुकी, और कट अगर लग जाती तो भाई लोग मेरे पॉइंट पूरे 29 से भी ऊपर हो जाते, लेकिन इसमें कैरम में वापसी करते हुए पॉइंट को कम करते हुए 5 क्वीन के हैं, 4 पूरे 29 पॉइंट मेरे हो सकते हैं अगर मैं जीतूँ तो। लेकिन वाजिद कहते हैं अभी तुम्हें देर है भाई, अभी और भी कैरम लगेगा, तो मिसिंग की और अपने आप से निराश होते हुए, और 28 आज का मुकाबला, 28 आज का, और आज कैसे मिले 3 पॉइंट बाहर थे शायद, और क्वीन के मिले मुझे 5 नंबर, और 28 आज का मुकाबला, और अपने आप से वो नाराज़ थे कि, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, 28 का मुकाबला। तो भाई लोग मैं फिर बताता चलूं कि हमारा ये दोस्ताना मैच है, इसमें आपने ये नहीं करना कि यार इंडिया हार गया, अगर ये हारे तो मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि सब तो बड़ी बात है, ये बेंगलोर से मुझसे खेल रहे हैं, तो मैं इनको रोकूंगा कि कल इंशाल्लाह दोबारा हम खेलेंगे, तो इसमें इंशाल्लाह यही जीतेंगे, क्योंकि अभी इनको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और अभी मुझे 1 पॉइंट चाहिए, मैं इजीली ओवर खेलूँगा, मुझे 1 पॉइंट मिल ही जाएगा, अब देखते हैं क्या बनता है। इधर से कई प्लेयरों ने मुझे हराया भी है 28, लेकिन मैंने आपको
ईजी नहीं लेना, उनको ईजी नहीं लेना, तो इधर से भी प्लेयर हार जाता है। तो मुझे अपनी गेम ऐसे ही करनी होगी जिसमें पहले कर रहा था। तो पॉइंट मुझे चाहिए एक, तो अभी इनके पॉइंट पड़े हैं बहुत। और बहुत प्यारी शॉट खेल गया। जब जब इजी खेलो ना तो ऐसी छोटे हैं लग जाती हैं अनबिलीवेबल। जब आप इजीली होकर खेलो, प्रेशर में खेलोगे तो आपसे फिर मिसिंग ही मिसिंग होगी। तो लास्ट मेरी पीस थी, तो मुझे एक पॉइंट चाहिए। ऊपर पड़े हैं 5 पॉइंट और ऊपर 4 पॉइंट मरे हैं। मुझे पॉइंट एक ही चाहिए, एक इनकी पीस बाहर हो, मुझे विन मिल जाएगा। तो देखें क्या बनता है। तो एक पीस चाहिए। तो मुझे कह रहे हैं यहाँ नहीं रख सकते आप, गोला सही रखो। तो आए जी, मेरे से शॉट मिस हो गई है। और इन्होंने अपनी पीस डाली और 3 पीस बाहर पड़े हैं। गाइस मुझे एक ही चाहिए। ओ कमाल शॉट यार, इनकी 2 बच गई हैं, मेरी 1 बच गई है। और बहुत यार मेहनत करते हुए और मेरी जो सी हार होने लगी थी बच गई है। और 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं, 29 मेरे पूरे 30 पॉइंट हो चुके। अल्लाह हाफिज़।